गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। टेंथ क्लास के बायोलॉजी के कोर्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये है चैप्टर नंबर 6। जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम सब क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर के बारे में। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, पहले इसका आपको मीनिंग समझने की जरूरत है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, होती क्या है लाइफ प्रोसेसेस, किसको बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सर्वाइवल। आप सबको मालूम है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो लिविंग सिस्टम है, स्मॉलेस्ट जो लिविंग सिस्टम है वो एक सेल होती है, और लार्जेस्ट लिविंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। तो चाहे कोई स्मॉलेस्ट लिविंग सिस्टम है, चाहे लार्जेस्ट लिविंग सिस्टम है, इसका मतलब चाहे कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर अपनी लिविंग की स्टेट को मेंटेन करना है तो उनको कुछ प्रोसेसेस कैरी आउट करनी पड़ती है। ये सारी प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के अंदर 10th क्लास के कोर्स के अंदर चार लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया है। वो चार लाइफ प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। ये हमारे 10th क्लास के कोर्स की चार लाइफ प्रोसेसेस। तो फिर से मैं एक बार लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन करती हूँ। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड या विच आर परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सर्वाइवल। और आपके कोर्स में चार लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अभी के लिए आज की इस वीडियो में मैं इन चार लाइफ प्रोसेसेस को ब्रीफली आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगी। वैसे हम इन चारों लाइफ प्रोसेसेस को चार अलग टॉपिक्स की फॉर्म में इस चैप्टर में कवर करेंगे। वहां हम इनको डिटेल्ड स्टडी करेंगे और यहाँ मैं इनको बस इनका मीनिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इनटेक। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड एंड ब्रेकडाउन दैट फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड को इनटेक करने की प्रोसेस, और इनटेक के बाद उस फूड को ब्रेक डाउन करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैरी आउट करते हैं। क्यों कैरी आउट करते हैं? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी जो है वो उस फूड से मिलती है जो फूड इनटेक किया गया है। सेकेंड जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखिए, बहुत बार ये गलती हम कर देते हैं कि रेस्पिरेशन का जब मीनिंग डिफाइन करते हैं, रेस्पिरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम रेस्पिरेशन को बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज अनदर नेम फॉर ब्रीदिंग, या रेस्पिरेशन इज बेसिकली द गैसियस एक्सचेंज इन आवर बॉडी। लेकिन ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है। न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर जो फूड हमने इनटेक किया था और जिस फूड को हमने ब्रेक डाउन किया था यानी कि डाइजेस्ट किया था, उस फूड का अब सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ये इसलिए होता है ताकि उस फूड से एनर्जी लिबरेट की जा सके। तो यह है रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? देखिए, ट्रांसपोर्ट जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या है? टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। लिविंग सिस्टम्स के केस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का क्या मतलब है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स
जो मल्टी सेलुलर होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स की बनी है। उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हर सेल को मटेरियल्स की जरूरत होती है। कुछ मटेरियल्स हैं जो सेल तक सप्लाई करने होते हैं और कुछ मटेरियल्स हैं जिनको सेल्स से रिमूव करना होता है। तो ये सेल्स तक मटेरियल्स को सप्लाई करना, टू एंड फ्रो, सेल्स तक मटेरियल्स को सप्लाई करना और सेल्स से कुछ मटेरियल्स को रिमूव करना, ये प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट जो प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। मैं एक्सक्रीशन को डिफाइन करने से पहले एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगी, नेवर कंफ्यूज एक्सक्रीशन विद इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, डू नॉट कंफ्यूज विद इजेशन। दोनों का मतलब समझिए क्या होता है। इजेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बच गया है, फूड हमने इनटेक किया, इस प्रोसेस पे आइए वापिस से न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हमने फूड को इनटेक किया, उस फूड को ब्रेक डाउन किया यानी डाइजेस्ट किया, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद उस फूड में से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है एनस के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। अब एक्सक्रीशन क्या है, हमारी बॉडी की सभी सेल्स के अंदर हर वक्त कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती है। सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इजेशन का तो मतलब है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना और एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन को कभी भी इजेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनिमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए उस वेस्ट को नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो दीज आर द फोर प्रोसेसेस विच वी आर गोइंग टू कवर अंडर द टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। आपका जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम चार लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रोसीड करूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। कभी कभी ये एमसीक्यू की फॉर्म में एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस, which one of the following is an essential life process and which one of the following is a non-essential life process। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझने की जरूरत है कि essential life process और non-essential life process किसको कहते हैं। अब देखिए, life process का कि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां हम बोलते हैं कि वो सारी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है उनके सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो एसेंशियल ही होती है क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन कई बार हम इस तरह के एनकाउंटर करते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम फेस करते हैं जिनमें बोला जाता है कि कौन सी प्रोसेस एसेंशियल है और कौन सी लाइफ प्रोसेस नॉन एसेंशियल है। तो अभी जो मैंने चार लाइफ प्रोसेसेस के नाम लिखे थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों ही लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल होती है क्योंकि इनके बिना सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। तो फिर दूसरी तरफ जो हम नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, वो कौन सी लाइफ प्रोसेस है, कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट तो करते हैं लेकिन अगर कैरी आउट नहीं करेंगे तो सर्वाइवल में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वो लाइफ प्रोसेसेस में दो लाइफ प्रोसेसेस के नाम आते हैं, नंबर वन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड
locomotion. And next is reproduction. ये दो ऐसी life processes हैं, if not carried out, do not affect the survival of an organism. जैसे कि आप सबको मालूम है जो plants हैं, वो एक ही जगह पे fixed होते हैं. They do not show locomotion, but they still survive. They are living. इसी तरीके से reproduction की बात करें, reproduction एक ऐसी process है जिसमें एक organism अपने ही जैसा नया organism produce करता है. Reproduction की process कहाँ जरूरी होती है? एक species के survival को ensure करने के लिए. एक स्पीसीज प्लेनेट अर्थ से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इस चीज को एंश्योर करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है. अगर एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं भी करता है तो भी वो सर्वाइव रहता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कैरी आउट तो की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लेकिन अगर कैरी आउट नहीं भी की जाएगी तो सर्वाइवल को अफेक्ट, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं करती है. तो जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन लाइफ प्रोसेस इनमें से लिख दी जाती है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, और चौथा ऑप्शन इनमें से दे दिया जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी लाइफ प्रोसेस नॉन एसेंशियल है. तो मूवमेंट, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में रखा जाता है. तो इस चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम बात करेंगे सभी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में. एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर, ये एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को मैं पहले आंसर करना चाहूंगी. तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आपने सबने नाइन्थ क्लास में पढ़ा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं. वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस आपने सबने पढ़ी है कि जो ऑर्गेनिजम सिंगल सेल से बने हैं वो यूनिसेलुलर, जो ऑर्गेनिजम मोर देन वन सेल से बने हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम. अब सवाल ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी ही प्रोसेसेस सिंपल डिफ्यूजन नाम की एक प्रोसेस के थ्रू होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये प्रोसेसेस कैरी आउट नहीं की जा सकती. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की जरूरत होती है लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए. तो क्वेश्चन यही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं होता टू कैरी आउट दीज लाइफ प्रोसेसेस. अब देखिए मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, व्हाई सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशियंट. सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशियंट टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस अब आपको मालूम है कि कौन सी है वो प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. Carry out different life processes in case of multicellular organisms. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आप सिंपल डिफ्यूजन का मतलब समझिए. सिंपल डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है, या डिफ्यूजन का मतलब होता है, कोई सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से अपने लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है बिना एनर्जी कंजम्पशन. ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, और गैस भी. द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. और जितनी डिस्टेंस कम होगी, देखिए दो रीजन है, एक हाई कंसंट्रेशन का रीजन, एक लो कंसंट्रेशन का रीजन. दोनों रीजन में जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही डिफ्यूजन का रेट भी फास्ट होगा, वो सब्सटेंस उतना ही फास्टली डिफ्यूज करेगा. तो ये हुआ डिफ्यूजन का मतलब. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन सफिशियंट क्यों है पहले इसको आंसर करेंगे.
फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन सफिशियंट क्यों नहीं है, इसको आंसर करेंगे। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, तो वो जो सिंगल सेल होती है उस सिंगल सेल को ही सारे फंक्शन कैरी आउट करने पड़ते हैं, और वो सिंगल सेल एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। अब जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है वो एनवायरमेंट और उस सिंगल सेल के बीच होना है, और क्योंकि वो सिंगल सेल एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है तो दोनों में कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसी सिंपल डिफ्यूजन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मटेरियल्स का एक्सचेंज हो जाता है, वहां पे सारी लाइफ प्रोसेसेस सिंपल डिफ्यूजन से हो जाती है। तो जो हाईलाइट करने वाले जो वर्ड्स हैं इसमें वो क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में द सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन सफिशियंट नहीं है, वहां पे हर लाइफ प्रोसेस के लिए एक अलग से ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारी सेल्स से बने हैं, उनका बॉडी साइज लार्ज है और सभी सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। हर सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड द सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, व्हाइल इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लार्ज इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। These organisms require specialized organs and organ systems. तो ये था इस लाइफ प्रोसेसिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को हम प्लांट्स में भी स्टडी करेंगे और एनिमल्स में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इस तरीके से वन बाय वन हम सभी लाइफ प्रोसेसेस को कवर करेंगे। कोई भी लाइफ प्रोसेस इतना छोटे नहीं है, इतना स्मॉल नहीं है कि उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जा सके। तो जैसे न्यूट्रिशन के लिए हो सकता है 2 या 3 वीडियोज की जरूरत पड़े, इसी तरह हर लाइफ प्रोसेस को मैं कुछ इन कपल ऑफ वीडियोज आई विल ट्राई टू फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ये जितनी भी मैंने आपको इधर चीज़ें बताई हैं, अभी किसी भी चीज़ में अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो YouTube चैनल पे जब ये वीडियो आपके सामने आएगा वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो फॉर नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।